अनुष्का, आपने जैसे आपने कहा कि आपने शाहरुख भाई के साथ, आमिर भाई के साथ, सलमान भाई के साथ काम किया है, सबसे ज़्यादा डर किसके साथ काम करने में लगता है? अच्छा, क्यों लगता है? I don't know यार, मुझे नहीं पता है. I think मैं ये सॉल्व करती जाऊंगी अपने दिमाग में. I get very intimidated by by सलमान. क्या बोलते हैं intimidated को हिंदी में? मुझे भी बताओ. मुझे क्या पता फिर. अच्छा भाई, इस फिल्म में देखना आप, अनुष्का ना गोबर के उपले बना रही है, भैंस के गोबर के उपले बनाती है, और सलमान भाई देखते हैं उनको प्यार हो जाता है. फिर दबंग में देखा, सोनाक्षी मिट्टी के घड़े बना रही होती है, उनको देखते प्यार हो जाता है. मतलब सलमान भाई को ना फिल्मों में देसी काम करने वाली घरेलू लड़कियां, उनसे प्यार हो जाता है. तो भाई रियल लाइफ में भी वैसी 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 ही वैसी ही. चाहे कहीं से भी हो लेकिन वैसी ही. क्या आप भी वही समझे जो मैं समझा? सुल्तान में एक डायलॉग है, सलमान भाई ये कहते हैं कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होनी चाहिए, इंजीनियर की शादी इंजीनियर से, और पहलवान की शादी पहलवान की छोरी से. भाई आपको क्या लगता है कि सेम प्रोफेशन में शादी करना जो है उसका फायदा है कि नुकसान है? इनिशियली फायदा है. इनिशियली फायदा कैसे? इनिशियली फायदा है कि एक कॉमन टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए, स्पेशली लड़कियों को. यू नो आई थिंक, हाँ आई थिंक वो एक तो पहले तो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जो इंटरफेरेंस बहुत, यू नो आई डोंट थिंक यू डन दिस सीन राइट, यू नो आई थिंक यू शुड हैव डन इट डिफरेंटली, बट फॉर द मैन इट्स अ बिग नुकसान. जो उसको हर चीज़ पता चलती है कि ये प्रोफेशन में ये 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 होता है, राइट. बाहर वाली को शायद इतना नहीं, बिल्कुल नहीं पता, पता नहीं. और आपका अफेयर शुरू हो गया. जी हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि अच्छा मैं इनसे पट गई तो दुनिया की कोई भी औरत पढ़ सकती है. इनको पता नहीं होता कि हमको कितना भीख मांगना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है. जिस दिन को ये पता चले हाँ, तो ये खुद बोलेंगे कि प्लीज यार, प्लीज हैव एन अफेयर विद माय बॉयफ्रेंड. तो ये डिबेट को हम थोड़ा दर्शकों तक लेके चलते हैं. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि सेम प्रोफेशन में शादी करने के नुकसान है या फायदे हैं? जी सबसे पहले कौन आ रहे, वन बाय वन? जी हाय कपिल सर. हाय सत श्री अकाल पाजी. हेलो अनुष्का मैम. हेलो सलमान सर. सेम प्रोफेशन स्टूडेंट्स? नो, मेरा नाम प्रियंका है, आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड. आपके साथ उनका परिचय नहीं कराया आपने. भाई भाई हैं सर. माय नेम इज अविनाश मिश्रा, आई एम फ्रॉम जलंधर. भाई बहन है आप? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? केमिस्ट्री तो वही लग रही है भाई. नहीं लाइक हमारा प्रोफेशन सेम है, बिकॉज हमारा कॉल सेंटर इंडिया में भी है. जिस कॉल सेंटर में मैं न्यूजीलैंड में काम करती हूँ, वी हैव ओपन्ड अ कॉल सेंटर इन इंडिया टू. तो प्रोफेशन सेम है. तो आप भी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं? हाँ. तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कॉल सेंटर में, एक दूसरे को लगे रहते हैं? सर दूसरों के भी करते हैं, साथ साथ अपनी भी कर लेते हैं. तो क्या आपके विचार क्या हैं, आप क्या ओपिनियन आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, लाइक ही कांट लाई टू मी एनी टाइम बिकॉज़. ये तो डिसएडवांटेज है. तो भाई अभी आपकी एंगेजमेंट ही हुई ना? हाँ जी. देख लो अभी भी है. तो मैडम ने कहा है कि एडवांटेज है, चलो अच्छी बात है. तो आप इसका सर डिसएडवांटेज, जैसे जैसे सारे राज, मतलब सारी कुंडली इनके पास होती है हमारी. अबे तो राज रखते क्यों, सीधा सीधा बोल देना चाहिए. बोल दो ऑनेस्ट. फिर तो सर भी मिलेगी नहीं ना. ऐसी हरकतें मत किया करो तुम. सर करते क्या है, उनको तो शक की बीमारी होती है ना. बस करेक्ट, यही तो बात है. जहाँ शक की बीमारी हो वहाँ रिश्ता नहीं रह सकता, ये पक्की बात. अब तो सोच के बोलना पड़ेगा. तुम तो एक्चुअली बैठ के सोचो. चलिए शुक्रिया ब्रदर, शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद जी. और कोई मेरे दोस्त? आराम से, आराम से, आराम से, आराम से चिल्लाओ, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से. क्या बुला रहे, क्या क्या बुला रहे? अबू जान, अबू जान, अबू जान, बोलो ना, बोलो, अबू जान बोलो. अच्छा बस 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 हट जाओ, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, हटो.
लाइन में आ जाओ, सब लाइन में आ जाओ, सबको मिलेगा क्या? इधर अबू बन रहे हैं। एक मिनट सब लाइन में आ जाओ। लेकिन सब ये क्या? आदाब अनुष्का, आपा कैसी आप? माशाल्लाह कितनी अच्छी। आदाब बजा लाती हूँ, अभी तो कुछ किया ही नहीं आपने। लिल्ला, आखिर आपके दीदार हो ही गए। ऐसी भी क्या दूरी, ईद का वक्त है, गले नहीं मिलोगे। ढिंका चिक्का। सलमान भाई, आप देख लो चैनल चेंज हो गए, हरकतें चेंज नहीं हो रही। देखिए ये गुनाह है, अजीम है ईद के वक्त गले नहीं मिलना। आइए, अच्छा मैं अपनी आंखें बंद कर लेती, आप मिल लीजिए। क्या फर्क पड़ेगा ना? लेकिन किसके बच्चे करके रहेंगे आप? मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जिन्हें ये अपना अब्बा 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 कह रहे हैं उनसे पूछिए ना। सारी दुनिया जानती है सलमान कुंवारे। कुंवारे तो क्या हुआ? नादान परिंदे, कुंवारे है तो क्या हुआ? इनके कुंवारेपन पर एक शेर अर्ज है। खड़गाओ, बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता है। बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता है, हर किसी का दिल इन पर पिसलता है। बाप बनने के लिए जरूरी नहीं शादी करना, कैश सिर्फ बैंक से नहीं एटीएम से भी निकलता है। ये अपना हिसाब गिन रहे हैं। ऐसे क्या मुस्कुरा रही है? देखिए ना माशाल्लाह कितने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, सब अपने अब्बू पर गए। आपको लग रहा है? नहीं क्या? देखो वैसे ही वो शादी नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी हरकतें करके उनको और दूर भगाओगे शादी से। क्या सारे बच्चे दिखा रहे हो ऐसी हरकतें करके? ठीक है जाओ, बेड़ा गर्क हो गया मेरा, जाओ। मैं क्या कह रही थी? क्या कह रहे? खुदा गवाह है सल्लू मियां, बहुत बड़ी कदरदान हूँ मैं आपकी। जी। पर मैं सच कहती हूँ। अली नहीं कर यार। अली। अच्छा। अच्छा दूर से। बस नहीं मैं कुछ नहीं, बस सच कह रही हूँ, मैं दिलो जान से आप पर मरती हूँ। जी। आपको नहीं पता सलूमिया, एक वक्त था जब मैं आपसे शादी करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर मैं आपको हासिल करना चाहती थी। इसी चक्कर में गैलेक्सी अपार्टमेंट भी चढ़ाई कर दी थी मैंने। आपके घर के पीछे पाइप नहीं भाई चढ़ रही थी, किसी ने फ्लश कर दिया तो गिर गई नीचे। क्यों करती है ऐसे काम? करके ऐसे कोई फ्लश करेगा तो डर के मारे गिरूंगी ना मैं। ऐसी जोरदार आवाज आई थी, हाथ पिसल गई, पुचक नीचे आ गए। लेकिन सल्लू मियां नहीं लगाऊंगी हाथ, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे करके मैं आपके घर में घुस आई खिड़की से, पर आपके घर वाले कोई दिखाई नहीं दिए, सिर्फ वो साजिद वाजिद हिमेश रेशम या सूरज पंचोली यही घूम रहे थे। सच कह रही हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे जो नवाब साहब है ना, माशाल्लाह उन्हें भी कुश्ती का बड़ा शौक है। अगर जामत ना हो तो आप मुझे कोई पोर्टेबल सा दाव सिखा देंगे? देखो सलमान भाई आपको नहीं सिखा सकते, वो अपना लंगोट नहीं लाया। मुझे पता था बात यहीं पे आके अटकी, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। निकल जा। हाँ। ओ हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। This is actually लंगोट यार। हाँ तो पहना हुआ है, सूख रहा था ले आई, खराब हो गया। हाँ वो पसीने से चला गया, कांजी वांजी मार के तुम कड़क। बेगम आपका हो गया? हाँ, जाने से पहले एक और शेर आपके नाम करना चाहती हूँ। ओए होए, ओए होए। तेरी मोहब्बत में इश्क छलका जाम हो जाए, किसी समंदर के किनारे ठंडी शाम हो जाए। जरूरी नहीं है कि तुम मेरे घर आ जाओ, ख्वाबों में भी आ जाओ तो अपना काम हो जाए। <laughs>
बड़ा ही वाह यार, शेर बड़े ही अदब से सुनाया गया। हाय अल्लाह। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.